एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक, माय नेम इज हिमांशी। हम आज के सेशन में 7th टू 13th जून का जो है वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहना है, तभी जो है हम सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो पहला इससे सवाल है कि विच बैंक स्टार्टेड दी समर ट्रीट्स कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया था बाय HDFC। तो HDFC में जैसे कि हमने देखा ये समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया था। इसमें ये अपने सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी इनके मर्चेंट्स हैं, उनको काफ़ी सारे ये ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समर ट्रीट्स बाय HDFC। अगला है कि आपको फुल फॉर्म बताना है PIDF का। तो फुल फॉर्म है PIDF का, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो फंड हम देख रहे हैं ये बनाया जाएगा, ये सेटअप किया जाएगा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि PIDF ये कौन इसे सेटअप, इस फंड को कौन सेटअप कर रहा है, तो ये किया जा रहा है बाय RBI। इसका जो कॉर्पस है, इसका फंड जो है वो 500 करोड़ का होने वाला है, और ये जो है हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इस फंड को बनाया गया है। तो PIDF बाय RBI। अगला सवाल है अबाउट NABARD। तो NABARD ने फैसिलिटेट किया है 270 करोड़ का लोन टू विच बैंक। तो ये देने वाले हैं 270 करोड़ का लोन टू ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, देखिए ये सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिविजन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वीडियो की जो है स्पीड लिमिट को थोड़ा सा 1.25 या 1.5 कर लीजिए, ताकि रिकॉल कर सके और पूरी तरीके से रिवाइज कर सके। तो ये एक छोटी सी टिप थी आपके लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट आसाम ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये एक RRB है, आसाम की ये बैंक है, और इसे जो है NABARD के द्वारा दिया जा रहा है ये 270 करोड़ का लोन, और ये एक तरीके की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है। ये जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है ये NABARD की 25,000 करोड़ का जो ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी देने वाले हैं सभी RRBs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, उसके अंदर ही ये प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या प्रोजेक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू देम इंडिया की जो इकोनॉमी है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी 3.2% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये सब आपको याद रखना है, अलग से वर्ल्ड बैंक ने किया है 3.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये हमारा बैंकिंग एंड अवेयरनेस का सेक्शन यहाँ खत्म होता है। अब आता है अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन। तो इसका पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के जो नए चेयरमैन हैं वो है मिस्टर राजीव सिंह। यहाँ पे आपको एक और नाम याद रखना है, एंड ये है कुशाल पाल सिंह का। तो कुशाल पाल सिंह जो है इन्होंने 6 decades के बाद इस बिजनेस में होते हुए भी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और इनकी जगह ली गई है बाय राजीव सिंह। तो हम देख रहे हैं अबाउट DLF लिमिटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट सेक्शन अबाउट ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत हैज बीन चोजन एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत का जो राजदूत है और स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है इन्हें, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन्हें चुना गया है फॉर WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO, और ये है मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत। इन्हीं के साथ एक और अपॉइंटमेंट आई थी हमारी, वो थी अबाउट राजीव टोपनो। तो मिस्टर राजीव टोपनो को अपॉइंट किया गया था एज द सीनियर एडवाइजर टू दी वर्ल्ड बैंक, जो कि है वॉशिंगटन बेस्ड। तो ये वर्ल्ड बैंक बेस्ड है, तो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक में, और ब्रजेंद्र नवनीत को अपॉइंट किया गया है WTO में। अगला सवाल है अबाउट मानुषी शिलर। शी इज अ फॉर्मर हू। तो शी इज अ फॉर्मर मिस वर्ल्ड। तो ये हमारी न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि एडिडास इंडिया ने इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज इंडियाज एम्बेसडर। तो मानुषी शिलर, शी इज नाउ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास, और जैसे कि हमने देखे ये जो है हमारी फॉर्मर मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, तो एडिडास एंड मानुषी शिलर। अगला सवाल है अबाउट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। तो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर जो है ये अपॉइंट किया गया है एम नेत्रा को। एम नेत्रा कौन है, ये एक 15 साल की बच्ची है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जो जुटाए हुए पैसे हैं 5 लाख रुपए, इन पैसों को जो है इन्होंने पुअर्स में यानी कि गरीबों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इन्होंने इन्हें जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर अपॉइंट किया है। तो हम देख रहे हैं अबाउट एम नेत्रा। इसी के साथ अगला अपॉइंटमेंट सेक्शन से क्वेश्चन है अबाउट गूगल क्लाउड। तो गूगल क्लाउड के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है, और ये है मिस्टर अनिल बल्लूरी। तो मिस्टर अनिल बल्लूरी ये है गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर। ओके,
अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एम्बेसडर्स के बारे में, और यहाँ पूछा जा रहा है कि हु इज द न्यू एम्बेसडर टू फिलीपींस। तो फिलीपींस के जो नए एम्बेसडर हैं वो हैं मिस्टर शंभू कुमारन। शंभू कुमारन, ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये जो है नए एम्बेसडर हैं फिलीपींस के, शंभू कुमारन, जो कि IFS रह चुके हैं 1995 बैच के। इसके अलावा एक रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ डिप्लोमेट मोनिका कपिल मोहता, एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड, इंडियाज एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। इसके अलावा जितने भी हमारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो है गायत्री कुमार, और इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रिटेन के लिए, सुशील कुमार सिंगल पपुआ न्यू गिनी, सिबी जॉर्ज कुवैत, रवीश कुमार फिनलैंड, राहुल श्रीवास्तव रोमेनिया, पीके नायर को अपॉइंट किया गया था नाइजर के लिए, और लास्ट हमने देखा अबाउट शंभू कुमारन, इन्हें किया गया है फिलीपींस के लिए। तो ये हमने देखे अबाउट ऑल द रिसेंट एम्बेसडर्स। अगला सवाल है अबाउट द IT वेटरन शॉन नारायण, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ विच कंपनी। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ टेक्नोसॉफ्ट। टेक्नोसॉफ्ट जो है ये मिशिगन बेस्ड एक कंपनी है जिसके ये अब नए CEO है। इसके बाद सवाल है अबाउट संदीप महाजन, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD ऑफ गुडईयर। गुडईयर के अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और गुडईयर क्या है, ये एक इंडिया की लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टायर कंपनी है। तो हमने देखा अबाउट गुडईयर एंड अबाउट संदीप महाजन। इसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है नेशनल सेक्शन। तो नेशनल सेक्शन में पहला आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विच मिनिस्टर लॉन्च्ड एन ई बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19। तो ये जो ई बुकलेट है ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्टर ऑफ HRD। देखिए किस मिनिस्ट्री ने इसे बनाया है वो नहीं सवाल है, किस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो रमेश निशांक पोखरियाल, इन्होंने इस ई बुकलेट को जो है लॉन्च किया था। पर इस ई बुकलेट को बनाया गया था बाय NCERT एंड बाय UNESCO। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बुकलेट हो जाती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने मिलकर हमारे सभी बच्चों के लिए एक नया अकेडमिक कैलेंडर भी बनाया है। अगला सवाल है कि किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टैलिटी। तो ह्यूमन और एनिमल की जो मृत्यु दर है उसे रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया है कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि किस IIT ने बनाया है, विच IIT हैज कम अप विद अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर। तो लो कॉस्ट वेंटिलेटर के साथ आए हैं IIT हैदराबाद। हम क्या बात कर रहे हैं अबाउट अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर, इन्होंने इस लो कॉस्ट वेंटिलेटर का नाम रखा है जीवन लाइट। ये इन्होंने बनाया है बाय द स्टार्टअप जिसका नाम है एरोबायोसिस इन्वेंशन। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद से एक और हमारे पास न्यूज है कि इन्होंने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट एंड AI बेस्ड टेस्ट किट। यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट अ वेंटिलेटर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट अ टेस्ट किट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट ये भी बनाई गई है बाय IIT। और ये जो टेस्ट किट है, दीज टेस्ट किट्स आर RT-PCR फ्री एंड गेट रिड ऑफ मेनी प्रोसेसेस। तो ऐसे सारे प्रोसेसेस से ये जो टेस्ट किट है ये फ्री होने वाली है। तो हमने देखा अबाउट IIT हैदराबाद। तो अगला इंस्टीट्यूट रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस नासोफेरेंजियल स्वाब। तो नासोफेरेंजियल स्वाब जो है ये बनाया गया है बाय नेशनल केमिकल लैब, यानी कि NCL। NCL हमारी आती है पुणे बेसिक इंस्टीट्यूट, जो कि आती है अंडर CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर NCL हमारी आती है। और इन्होंने एक तरीके का स्वाब बनाया है इंडिजिनसली, नासोफेरेंजियल स्वाब। ठीक है, अगला सवाल है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है अलॉन्ग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टूगेदर टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अटल इनोवेशन जो है ये टीम अप कर रहे हैं विथ CSIR। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट CSIR और अलॉन्ग विथ अटल इनोवेशन मिशन। तो ये दोनों अब साथ में आए हैं ताकि ये प्रमोट कर सके कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, CSIR और अटल इनोवेशन मिशन। अगला सवाल है अबाउट अ टास्क फोर्स। तो हमारी एक टास्क फोर्स जो है रिसेंटली बनाई गई थी जिसकी हेड होने वाली है जया जेटली। आपको बताना है कि ये जो टास्क फोर्स है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। तो ये आएगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट अ टास्क फोर्स जिसकी हेड होने वाली है जया जेटली। और ये इस टास्क फोर्स में जो है एग्जामिन करेगी इश्यूज रिलेटेड टू द एज ऑफ मदरहुड, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, और इन सभी चीजों की जो है एग्जामिन करने के लिए, इन सभी इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
इसके बाद अगला सवाल है कि वेयर इज द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज हेडक्वार्टर्ड। तो ये जो इंस्टीट्यूट हम देख रहे हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आता है हमारा नैनीताल में। अब बात आती है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद इसरो। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस आर्यभट्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। मोर ओवर आपको कहना चाहिए कि ये जो स्पेस डेब्री होता है हमारे स्पेस में, उसके क्लियरिंग के लिए या फिर हमारे इंडियन एसेट्स को बचाने के लिए ये एमओयू इन्होंने साइन किया है। इसरो से रिलेटेड हमारे पास और भी रिसेंट न्यूज है, एंड द फर्स्ट इज अबाउट कि इन्होंने लॉन्च किया है, ऑर्गेनाइज किया है एक इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो है इसरो। इसके अलावा इसरो ने जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो इनकी जो है फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो इसरो की फैसिलिटीज अब प्राइवेट फर्म्स भी यूज कर सकेंगे। तो ये हमने देखा अबाउट इसरो एंड अबाउट ऑल द रिलेटेड न्यूज। तो अगला आपसे सवाल पूछा जा रहा है अबाउट टाइगर्स। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अ डेटा प्रोवाइडेड बाय NTCA कितने टाइगर्स की जो है रिसेंटली डेथ हुई है इन द लास्ट 8 ईयर्स। तो इन द लास्ट 8 ईयर्स अराउंड 750 टाइगर्स हैव डाइड अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इनके अकॉर्डिंग पिछले 8 सालों में 750 टाइगर्स की डेथ हुई है। तो सबसे ज्यादा अगर टाइगर्स की संख्या पाई जाती है तो वो मिलती है हमें मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा डेथ्स भी हमें देखने मिली है अराउंड 173। तो हमने देखा अबाउट दिस टाइगर काउंट गिवन बाय द NTCA। अगला आपसे सवाल पूछा जा रहा है एशियाटिक लायंस के बारे में, लेकिन पिछला सवाल हमने देखा अबाउट टाइगर्स और अगला सवाल है अबाउट एशियाटिक लायंस। तो एशियाटिक लायंस में आपसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे आबादी की। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है अराउंड 29%। हम बात कर रहे हैं एशियाटिक लायंस की, जो कि हमें स्पेसिफिकली मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो गुजरात के इस गिर फॉरेस्ट में हमें एशियाटिक लायंस मिलते हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो करीब 29% हुई है सिंस 2010। नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब जो इनकी पॉपुलेशन है वो है 674 अगेंस्ट 523, पहले 523 थी अब 674 है। गिर नेशनल पार्क को देखें तो ये है हमारा गिर नेशनल पार्क, ये हमें मिलता है गुजरात में। आपको अलग से पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि एशियाटिक लायंस जो है हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यही इस गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। तो हमने देखा अबाउट दिस लायंस। अगला सवाल है कि किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये 18th बेंच किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है बाय जितेंद्र सिंह। यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि 18th बेंच जो है ये कहाँ लॉन्च की गई है, वेयर, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च की गई है इन जम्मू कश्मीर एंड इन लद्दाख रीजन। तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन लद्दाख, वहां पे 18th बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की लॉन्च की गई है, और ये किसके द्वारा किया गया है, बाय जितेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्टर है मिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक और चीज इनॉग्रेट की है जिसका नाम है कोविड बीप। कोविड बीप क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो गए, जैसे स्वेट हो गया, हार्ट रेट वगैरह हो गया, उन सभी चीजों को मॉनिटर करने के लिए कोविड बीप लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो कोविड बीप कुछ इस तरीके का दिखता है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स नापने के लिए। अगला सवाल है अबाउट सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंसेस CENS। इन्होंने फाउंड आउट किया है एक लो कॉस्ट एंड एफिशियंट वे टू जनरेट वॉट। तो सस्ता और एफिशिएंट वे इन्होंने ढूंढ निकाला है, और क्या प्रोड्यूस करने का, क्या जनरेट करने का, तो ये जनरेट कर सकते हैं अब हाइड्रोजन। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, जिसे जो है अदरवाइज प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो CENS ने इसका जो है एफिशिएंट वे निकाला है, तो आपको पता होना चाहिए बाय CENS, जो कि लोकेटेड है बेंगलुरु में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1991 में। आपको PDF की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने किस कलर के स्टिकर को जो है मैंडेटरी कर दिया है फॉर BS6 व्हीकल्स। तो BS6 व्हीकल जो है उनके लिए कौन से कलर का स्टिकर इन्होंने मैंडेटरी किया है, तो वो है ग्रीन कलर का। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि BS6 जितने भी हमारे व्हीकल्स होने वाले हैं, इस नॉर्म को फुलफिल करने वाले जो व्हीकल होने वाले हैं, उनके लिए ग्रीन कलर का स्टिकर उनकी गाड़ी के सामने लगा हुआ होना चाहिए। एक स्ट्रिप होगी
और वो लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स होते हैं उनमें ब्लाइट ब्लू कलर का स्टिकर होता है और डीजल व्हीकल में ऑरेंज कलर का होता है। तो ये हमने देखा अबाउट दी स्टिकर्स और ये अनाउंस किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद सवाल है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो अर्पित है डेवलप किया गया है बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने अर्पित डेवलप डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। अर्पित क्या है, ये एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। नाम से ही समझ में आता है कि जितने भी हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन्हें वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इस एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अनन्या। तो अनन्या क्या है, अमंग दीज अनन्या इज अ डिस इन्फेक्शन स्प्रे। तो अनन्या जैसे कि हमने देखा एक डिस इन्फेक्शन स्प्रे है जो कि बनाया गया है बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे बेसिक इंस्टीट्यूट है और इन्होंने डेवलप किया है एक डिस इन्फेक्टेंट स्प्रे। तो कीटाणुओं को मारने के लिए जितने भी हमारे कोविड का वायरस है उसे मारने के लिए इन्होंने ये स्प्रे बनाया है। इसके बाद है कि इंडियन रेलवेज ने कोई भी कैजुअलिटी या कोई भी फेटलिटी को रिपोर्ट नहीं किया है ऑफ एनी पैसेंजर इन एनी ट्रेन एक्सीडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस व्हेन। तो ऐसा जो है पहली बार कितने सालों बाद हो रहा है, तो ये करीब 166 ईयर्स में हो रहा है। 166 ईयर्स जो है ये हमारी रेलवे की हिस्ट्री ही रही है 166 ईयर्स की। देखिए हमारे इंडिया में जब पहली ट्रेन चली थी वो थी 1853 में, तो तब से लेके आज तक कोई ना कोई कैजुअलिटी या कोई ना कोई डेथ देखने ही मिली है, लेकिन ये पहली बार है कि इंडियन रेलवेज ने इन द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 कोई भी फेटलिटी रिपोर्ट नहीं की है। तो इट इज़ द बेस्ट एवर रिकॉर्ड जो कि हमारी इंडियन रेलवेज ने बनाया है। तो हमने देखा अबाउट दिस इंडियन रेलवे फैक्ट। अगला सवाल है कि मैकिन्स इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर को डेवलप किया है एक यूवीसी बेस्ड कैबिनेट। यूवीसी बेस्ड कैबिनेट ये बनाया गया है बाय एआरसीआई एंड अलोंग विद मैकिन्स इंडस्ट्री। तो ये इस तरीके का जो है यूवीसी कैबिनेट है जो कि बनाया गया है बाय द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इन्होंने मिलके मैकिन्स इंडस्ट्री के साथ मिलके जो है ये यूवीसी कैबिनेट बनाया है। एआरसीआई से रिलेटेड एक और न्यूज है कि इन्होंने डेवलप किया है एक रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल जो कि इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कैंसर के ट्रीटमेंट पे ये रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल जो है इन्होंने डेवलप किया है जिसे फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है इन द श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ केरला। तो ये दोनों न्यूज हमने देखी अबाउट एआरसीआई। आपको अगर थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा है तो जस्ट टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा अबाउट तुरंत कस्टम्स। तो तुरंत कस्टम्स जो है ये लॉन्च किया गया है बाय सीबीआईसी। देखिए हम सभी को मेहनत तो करनी है, मेहनत के साथ ही हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अबाउट सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्होंने जो है लॉन्च किया है अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। आपको याद रखना है सीबीआईसी ने बनाया है तुरंत कस्टम्स। देखिए इसे फिलहाल लॉन्च किया गया है बेंगलुरु और चेन्नई में। फिलहाल प्लान ये है कि पूरी इंडिया में हम इसे रोल आउट करने वाले हैं 31 दिसंबर 2020 में, मतलब इस साल के एंड तक हम पूरे देश में इसे रोल आउट करने वाले हैं। पूरे इंडिया में रोल आउट करने का मतलब यह है कि जितना भी ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है उसका प्रोसेस काफी ज्यादा लेथार्जिक होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो भी कस्टम क्लियरेंस है उसे फास्टर किया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसे बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया है, लेकिन बाय द ईयर एंड हम इसे पूरे इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं। तो सीबीआईसी तुरंत कस्टम्स। अगला सवाल है कि हाउ मच हैज एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फाइन द यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने इसे जो है 25 करोड़ फाइन किया है। यशस्वी रसायन जो है हमारी न्यूज में इसलिए रही थी क्योंकि रिसेंटली एक तरीके का ब्लास्ट वहां पे हुआ था और काफी ज्यादा लोगों को वहां नुकसान हुआ था। तो इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि हमारी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है उन्होंने 25 करोड़ का फाइन इन पे लगाया है। अगला सवाल है कि इंडिया ने सेटअप किया है इट्स फर्स्ट डैश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इंडिया ने रिसेंटली सेटअप किया है पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसका नाम इन्होंने रखा है कोल एक्सचेंज। तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने सबसे पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया है। इंडिया का प्लान यह है कि 2024 तक हम जो है 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कोल और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। तो ये हमने एक और फैक्ट देख लिया अबाउट कोल। अगला सवाल देखते हैं
कि किस इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया है कि उन्होंने डिजाइन कर लिया है एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिसमें ये एफिशिएंटली मास्क बना सकते हैं वाटर प्लास्टिक मतलब वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से। तो प्लास्टिक बॉटल से मास्क बनाने का जो है नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है और ये किया गया है बाय आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी हमारी किस जगह की इंस्टीट्यूट है, तो ये बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश को और यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तरीके का एक टेक्निक या फिर एक तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें ये प्लास्टिक बॉटल से मास्क बना सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट को हमारे सेव भी करेगा और हमारे जो है पैंडेमिक में भी हेल्प करेगा। आईआईटी मंडी ने रिसेंटली मैग्नेटिक रैम्प को भी डेवलप किया था, तो हमने देखा कि ये जो है हिमाचल प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट है। अगला सवाल है कि M12 एक वेंचर कैपिटल आर्म है ऑफ द सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट। तो इन्होंने ओपन किया है इसका, इन्होंने ओपन किया है इंडिया का ऑफिस, इंडिया में अपना ऑफिस। तो आपको बताना है कि ये जो है कहाँ हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में जब ये ऑफिस खोल रहे हैं तो इसी के साथ हम काफ़ी हमारे एलिट सिटीज़ के साथ जुड़ जाते हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, सियाटल, लंदन, टेल अवीव, क्योंकि M12 के जो ऑफिसेस हैं ये काफ़ी सिलेक्ट सिटीज़ में हैं और उनमें से हम भी एक जो है सिटी है, उनमें से एक जो है हमारी सिटी भी है जो कि है बेंगलुरु। तो M12 जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक वेंचर कैपिटल आर्म है जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर खोला है इन बेंगलुरु। नेशनल न्यूज़ का सेक्शन हमारा थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती है हमारी नेशनल सेक्शन में, तो हम देख रहे हैं अबाउट नेशनल सेक्शन ही अभी भी। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ रैंक्ड बेस्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग। तो NIRF की जो रैंकिंग है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है IIT मद्रास ने। तो हम देख रहे हैं अबाउट NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो है ये दिया जाता है बाय द HRD मिनिस्ट्री और इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट ओवरऑल कैटेगरी में अगर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो वो है IIT मद्रास। देखिए ओवरऑल कैटेगरी आपको याद रखनी है कि ओवरऑल, क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, पर ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्म किया है IIT मद्रास ने। सेक्शनल अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि इंजीनियरिंग सेक्शन में कौन सा है तो वो तब भी IIT मद्रास है और ओवरऑल में IIT मद्रास के बाद है IISc बेंगलुरु और फिर थर्ड है IIT दिल्ली। लास्ट हमने देखा था अबाउट टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जिसमें शेरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और इंडिया में जो सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी थी वो थी IISc बेंगलुरु। तो यहाँ पे रैंकिंग्स बदल जाती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये दोनों अलग अलग हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन और NIRF। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी सिटी ऑफ इंडिया इज द कॉस्टलीस्ट सिटी टू लिव इन अकॉर्डिंग टू मर्सर्स एनुअल सर्वे। तो मर्सर्स एनुअल सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई जो है हमारी सबसे ज़्यादा महंगी सिटी है रहने के लिए। मर्सर्स का जो ये एनुअल सर्वे हम देख रहे हैं ये 25th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग हांगकॉन्ग सबसे ज़्यादा महंगी कंट्री है, महंगी सिटी है इन द होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महंगी है हांगकॉन्ग। उसके बाद आती है टोक्यो, सिंगापुर और सियोल। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है मुंबई सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइसेस। अगर हम रैंक वाइज देखें तो मुंबई का ओवरऑल रैंक है 67th पोजीशन। तो हमने देखा अबाउट मर्सर्स एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेशन इज सेट टू बी द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेशन में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है, तो ये होगा इन हुब्बाली। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से स्टेट में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है तो वो उसका आंसर होता हमारा कर्नाटका, क्योंकि हुब्बाली हमारा स्टेशन है कर्नाटका में। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सिर्फ इंडिया के लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल गोरखपुर का जो स्टेशन है वो सबसे लंबा है और उसकी जो लंबाई है वो करीब 1366 मीटर्स है, पर हुब्बाली जो होने वाला है वो करीब 1400 मीटर्स लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको फिगर याद रखने हैं, हुब्बाली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट टू गो फुल्ली डिजिटल। इनमें से सबसे पहला जो है डिजिटाइज होने वाली ऑर्गेनाइजेशन NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी इंडिया की कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज द फर्स्ट अमंग देम जो कि पूरी तरीके से डिजिटाइज होने वाली है। तो ये लॉन्च कर रहे हैं एक क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और इसमें ये इंटीग्रेट करेंगे डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हमने देखा वो NHAI। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सहकार मित्र। तो सहकार मित्र एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके की इंटर्नशिप स्कीम है।
इंटर्नशिप स्कीम जो कि लॉन्च की गई है बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्होंने इसे लॉन्च किया है ताकि हमारे जितने भी यूथ हैं उन्हें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा आपको एक और इंटर्नशिप स्कीम याद रखनी है जिसका नाम है ट्यूलिप, तो TULIP, जो कि है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसे जो है लॉन्च किया गया है बाय AICTE अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। तो इन तीनों ने मिलकर जो है ट्यूलिप को लॉन्च किया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सहकार मित्र जो कि लॉन्च की गई है बाय नरेंद्र सिंह तोमर। अगला सवाल है कि प्रसार भारती ने किसके साथ एसोसिएट किया है कि ये लॉन्च कर सके एक कॉमन योगा पोर्टल, तो ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो प्रसार भारती जो कि डीडी नेशनल की अलग से एक चैनल है जहाँ पे ये अपने क्लासिक शोज को प्रोजेक्ट टेलीकास्ट करती हैं, तो वहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके ये कॉमन योगा पोर्टल जो है प्रोटोकॉल जो है लॉन्च किया है, जिसमें एक टाइम स्लॉट के बीच में योगा और आसन वगैरह जो है यहाँ पे टेलीकास्ट किए जाएंगे, जिसे एक्चुअली टेलीकास्ट किया जा रहा है क्योंकि हम June 21st को वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए ये जो है एसोसिएशन हम यहाँ देख रहे हैं। तो फाइनली इसके साथ हमारा नेशनल सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है और हम चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर। तो स्पोर्ट्स में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशियन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है ये होने वाली है इंडिया में। यहीं पे आपका एक सवाल हो जाता है कि एशियन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है, तो ये होगी इंडिया में। अब बताना है कि किस साल होने वाली है, तो ये होगी 2022 में, तो एशियन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप इन इंडिया इन 2022। अगला आपसे सवाल पूछा जा रहा है अबाउट फिट इंडिया, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लॉन्च कर रहे हैं एक सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म्स जिसमें ये प्रमोट करने वाले हैं हमारे जितने भी इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उनको, तो आपको बताना है कि कितने इंडिजिनस स्पोर्ट्स को ये प्रमोट करने वाले हैं या फिर कितनी ये जो है स्पेशल फिल्म्स बनाएंगे, तो ये बनाने वाले हैं 10 स्पेशल फिल्म्स। तो ये सब जो है ये कर रहे हैं अंडर फिट इंडिया, तो फिट इंडिया के अंदर ये 10 यूनिक एक इंडिजिनस स्पोर्ट को प्रमोट करते हुए फिल्म्स बनाएंगे, जो कि एक्चुअली आता है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर। तो हमने देखा अबाउट फिट इंडिया एंड अबाउट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अगला स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है अबाउट द फॉर्मर UFC चैंपियन हु रिसेंटली रिटायर्ड, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि रिसेंटली रिटायर कर रहे हैं, तो वो है मिस्टर कोनोर मैकग्रेगर। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर कोनोर मैकग्रेगर के बारे में, तो इन्होंने अपना जो है रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और ये एक UFC चैंपियन है और ऑल्सो एक MMA फाइटर भी है। इसके बाद है कि गोमती मणिमत्तू शी हैज़ बीन रिसेंटली इन न्यूज़, आपको बताना है कि न्यूज़ में किस लिए थी, तो शी वॉज इन न्यूज़ बिकॉज शी हैज़ रिसेंटली बीन बैंड बाय द AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट। इन्होंने गोमती मणिमत्तू हु हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, इन्हें जो है शी हैज़ बीन रिसेंटली बैंड फॉर 4 years बिकॉज शी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिल गए इनके पास इनकी बॉडी में जो कि अलाउड नहीं है इन द स्पोर्ट्स डोमेन, इस वजह से इन्हें बैन किया गया है। तो हमने देखा अबाउट गोमती मणिमत्तू, तो ये हमने देखा अबाउट द स्पोर्ट्स सेक्शन। अब आता है हमारा स्टेट्स का सेक्शन, तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपके हाथ में आपका कोई फोन है यहाँ पे या फिर आपके पास कोई कॉपी है जहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख सकता है, तो प्लीज गो अहेड अपने हाथ में या फिर अपनी नजरों के सामने एक मैप रखिए, क्योंकि जब भी हम स्टेट्स पढ़ते हैं तो अगर मैप हो तो उसे याद रखने में काफी ज्यादा ईजी होती है। तो लेट अस हैव द मैप एंड लेट अस स्टार्ट रिवाइजिंग द स्टेट न्यूज। तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड थैंक्स मॉम इनिशिएटिव, तो ये जो थैंक्स मॉम इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया जा रहा है बाय मध्य प्रदेश। थैंक्स मॉम इनिशिएटिव में जितने भी हमारे इनके एम्प्लॉयज हैं उनको कहा जाएगा कि एक आपको प्लांट लेना है और उसकी इस तरीके से केयर करनी है जैसे कि वो आपकी माँ हो, तो प्लांट की केयर करनी है जस्ट लाइक हर मदर, और उस इनिशिएटिव का नाम इन्होंने रखा है थैंक्स मॉम। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो रिसेंटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी पाथ व्यवसायी उत्थान योजना। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि ये दोनों भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन कंट्री इन वीट प्रोक्योरमेंट, तो वीट के प्रोक्योरमेंट में सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या देखा अबाउट थैंक्स फॉर्म इनिशिएटिव, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मुख्यमंत्री ये जो उत्थान योजना है, और हमने देखा कि इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वीट प्रोक्योरमेंट में। अगला स्टेट न्यूज है अबाउट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फूड फॉरेस्ट रिसेंटली, तो फूड फॉरेस्ट जो है ये लॉन्च किया गया है बाय केरला।
केरला ने लॉन्च किया है इस फूड फॉरेस्ट को इन द अट्टापाडी ट्राइबल बेल्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। ये लॉन्च कर रहे हैं अंडर द ट्राइबल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो है एक्चुअली किया जा रहा है ताकि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके सभी ट्राइबल विलेजेस में। तो ये जो पहला फूड फॉरेस्ट हम देख रहे हैं ये है केरला में। अगला सवाल है अबाउट छत्तीसगढ़ पुलिस, तो इन्होंने लॉन्च किया है स्पंदन इनिशिएटिव। तो स्पंदन इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है फॉर मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस है उनका ये मानना है कि मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से लड़ने के लिए भी हमें एक स्पेशल कैंपेन की जरूरत है, तो इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है स्पंदन। ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो हमने देखा वो छत्तीसगढ़ पुलिस। अगला आपसे स्टेट न्यूज पूछा जा रहा है कि बंदे उत्कल जननी किस स्टेट का एंथम है। तो ये जो बंदे उत्कल जननी स्टेटस है, तो ये जो बंदे उत्कल है ये है अब नया स्टेट एंथम ऑफ ओडिशा। बंदे उत्कल जननी जो कि एक पैट्रियोटिक पोएम है जिसे लिखा गया था बाय कांता काबी लक्ष्मीकांता मोहपात्रा 1912 में। तो 1912 में इस पोएम को लिखा गया था, जिसकी एक्चुअल हेडलाइन थी, जिसकी पहली लाइन थी बंदे उत्कल जननी, तो इसी लाइन को बना दिया गया है एज द स्टेट एंथम ऑफ ओडिशा। अगला सवाल है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेघ संदेश ऐप। तो मेघ संदेश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है बाय कर्नाटका। इस ऐप के साथ इन्होंने पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है वरुण मित्र। तो जो हम देख रहे हैं मेघ संदेश ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेन्स एंड फ्लडिंग। तो रेन और फ्लडिंग से रिलेटेड जो फोकस प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा मेघ संदेश के अंदर, और अर्बन फ्लड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे मैनेज और किस तरीके से रोकना है मिटिगेट करना है वो दिया जाएगा बाय वरुण मित्रा। तो ये हमने देखा अबाउट कर्नाटका। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने टॉप किया है अंडर द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि स्टेट फूड इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये किया जाता है बाय FSSAI। और अगला सवाल है कि किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो है गुजरात। तो गुजरात ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर दी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेकंड एडिशन है, इसका सेकंड एडिशन है ये, इसके स्टेट फूड इंडेक्स में इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन द लार्जर स्टेट्स। लार्जर स्टेट्स में गुजरात सबसे अच्छा है, स्मॉलर स्टेट्स में देखें तो गोवा सबसे अच्छा है, और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो चंडीगढ़ दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार हो गए। फिर सवाल है कि किस स्टेट ने वेव ऑफ कर दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से जितने भी शैक्षणिक वर्ष में जितने भी सरकारी संस्थान है उनके प्रवेश शुल्क को माफ कर दिया गया है। प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फी, तो एडमिशन फी को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है बाय दी असम गवर्नमेंट। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है ऑफ दी असम गवर्नमेंट, जिन्होंने 2020 से लेकर 21 तक के जितनी भी एडमिशन फी होने वाली है सभी बच्चों की, उनकी जो है फीस को माफ कर दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन कि विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ प्लांट हेल्थ क्लिनिक। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है ये लॉन्च किया गया है बाय मणिपुर। आसाम और मणिपुर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसी ही सिचुएशंस के लिए मैंने कहा है कि आपके पास एक सामने मैप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, मणिपुर ने लॉन्च किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक जिसमें ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक मणिपुर। अगला सवाल है कि विच गवर्नमेंट इज द टॉप परफॉर्मर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है जम्मू कश्मीर ने। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें जो है राशन और फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि जितना भी राशन प्रोवाइड किया गया है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूट किया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है बाय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसके अंदर जो है ये प्रोवाइड करेंगे 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ इवन द टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि सभी जो वेस्ट हो गए टॉक्सिक वगैरह सभी, उन सभी का जो है सेफली डिस्पोजल किया जाएगा अंडर द ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, और ये किया गया है बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश ने इसी के साथ एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है जगन्ना चेदोदो स्कीम, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब ये करीब 10,000 रुपए जो है ये दिए जाएंगे टू ऑल द टेलर्स बार्बर्स एंड वॉशमैन जिनकी जो है काफी ज्यादा लाइवलीहुड का नुकसान हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है बाय आंध्र प्रदेश। तो ये हमने दोनों चीजें देखी। तो अगला सवाल है कि विच स्टेट हैज ओपन इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, यानी कि पहला जैव विविधता पार्क जो है खोला गया है हल्द्वानी में। आपको बताना है कि ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। अगर आपको पता होता कि हल्द्वानी कहाँ है तब भी आपका आंसर सही होता। तो हमने क्या देखा, उत्तराखंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है
जिसका नाम इन्होंने रखा है उत्तराखंड फॉरेस्ट विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये इन्होंने खोला था ऑन दी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कि हम मनाते हैं 5 जून को। इसके बाद एक और हमारा सवाल है अबाउट IHBT। IHBT जो है कोलैबोरेट कर रहा है किस गवर्नमेंट के साथ ताकि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर सके टू बूस्ट दी कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन एंड हींग। तो हींग और सैफ्रॉन की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए IHBT कोलैबोरेट कर रहा है विद हिमाचल प्रदेश। इस जगह पे भी आपको मैप काम आएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। पहले हमने देखा अबाउट उत्तराखंड और अभी हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इन्होंने कोलैबोरेट किया है हिमाचल प्रदेश के साथ ताकि सैफ्रॉन और हींग जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके और इसकी कल्टीवेशन जो है हम बूस्ट कर सकें। इसके अलावा एक और न्यूज़ रही है हिमाचल प्रदेश की, तो वो है कि हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना लॉन्च की है। पंचवटी योजना किसके लिए की है? फॉर द सीनियर सिटीजन्स। और इसके अंदर ये क्या करेंगे, पार्क्स गार्डन्स वगैरह जो है डेवलप करेंगे, जितनी भी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके की वो सब डेवलप करेंगे इन द रूरल एरियाज। तो हिमाचल प्रदेश अबाउट IHBT एंड दिस पंचवटी योजना। ओके देन, तो अगला क्वेश्चन है कि एक रोबोट डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोरोबॉट एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर फ्रॉम विच स्टेट। तो ये जो इंजीनियर है ये आते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। हम बात कर रहे हैं प्रतीक तिरोडकर की। तो इन्होंने इस तरीके का जो है एक रोबोट बनाया है जिसका नाम इन्होंने रखा है कोरोबॉट। तो आपको पता होना चाहिए ये आते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हमने यहाँ देखा अबाउट कोरोबॉट। अगला सवाल है अबाउट वॉरबॉट। तो वॉरबॉट जो है ये एक प्रोफेसर के द्वारा डेवलप किया गया है और ये किस स्टेट के हैं? तो ये है फ्रॉम त्रिपुरा। ये दोनों क्वेश्चंस को जानबूझ के यहाँ साथ में रखा गया ताकि आप इजीली याद कर सकें। तो कोरोबॉट था महाराष्ट्र से, वॉरबॉट है त्रिपुरा से। इसके अलावा आपको याद रखना है कर्मी बॉट। तो कर्मी बॉट जो है ये है हमारा केरला से। तो के और के से आप याद रख सकते हैं केरला और कर्मी बॉट। और इसके अलावा रेल बॉट भी, तो रेल बॉट, कर्मी बॉट, कोरोबॉट और वॉरबॉट, ये सारे बॉट्स हैं जो कि रिसेंटली डेवलप किए गए हैं। फिर अगला सवाल है कि एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च किया है राज कौशल पोर्टल और एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से फ्रेम्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो यहाँ पे पोर्टल नहीं एक्सचेंज होगा। तो राज कौशल पोर्टल है और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ठीक है। ये दोनों डेवलप किए गए हैं बाय राजस्थान और ये हेल्प करेंगे जितने भी हमारे माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनके स्किल डेवलपमेंट या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अगला एक सिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने लॉन्च किया है स्त्री। स्त्री एक मूवी है पर हम उस मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक इनिशिएटिव की। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है बाय हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका पूरा नाम है शी ट्रम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। और ये सब किया जा रहा है टू एम्पावर दी वुमेन एंड टू सपोर्ट देम। तो उसके लिए इन्होंने हैदराबाद की सिटी पुलिस ने जो है इसे लॉन्च किया है। एक और पुलिस का इनिशिएटिव जो हमने देखा था वो था स्पंदन और ये किया गया था बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो पुलिस के इनिशिएटिव्स भी आपको अलग से याद रखने चाहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था आयु रक्षा। तो आयु रक्षा इसलिए किया गया था ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट की जा सके। तो सिटी पुलिस यानी कि दिल्ली की पुलिस जो है उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयु रक्षा किया गया था, स्पंदन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और स्त्री बाय हैदराबाद पुलिस। फिर अगला स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने परमिट कर दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को टू एम्प्लॉय मोर देन 11,800 वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट। तो ये अलाउ किया गया है बाय झारखंड। ये काफी अच्छी एक न्यूज है कि झारखंड की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है अपनी तरफ से 11,800 वर्कर्स कि वो अब एम्प्लॉय किए जाएंगे इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी हमारी बॉर्डर कंट्रीज होती है वहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हमारी BRO करती है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इसके अंदर 11,800 वर्कर्स जो है वो दिए जाएंगे बाय दी झारखंड गवर्नमेंट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज दी लोनर लेक सिचुएटेड। तो लोनर लेक हमने कल ही डिस्कस किया था, ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। अब बताइए न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि ये जो लेक हम देख रहे हैं लोनर लेक, ये कुछ तरीके का इसका कलर जो है चेंज हो गया था, कुछ पिंकिश सा ही कलर हो गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में आई। तो ये जो हम देख रहे हैं पिंकिश या फिर जो कलर चेंज हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है। इस साल ये ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसकी जो कलर चेंज है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई या फिर एल्गे का प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये कलर चेंज होता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताएं तो ये जो लेक है ये बना था बाय अ मीटियोर हिट जो कि 50,000 साल पहले हुआ था। तो एक मीटियोर के हिट होने की वजह से यहाँ पे एक लेक बन गया और इसे माना जाता है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रिएटर और ये वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिएटर भी माना जाता है। तो हमने देखा अबाउट लोनर लेक जो कि है हमारा महाराष्ट्र में।
तो अ साई ऑफ रिलीफ कि हमारा जो स्टेट सेक्शन है वो यही खत्म होता है। अब आता है हमारा अवार्ड का सेक्शन। तो अवार्ड्स में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने टॉप किया है द हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट। तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट जो है ये टॉप की गई है बाय अनीश कपूर। अनीश कपूर जिसे हम देख रहे हैं ये एक स्कल्प्टर हैं जिन्होंने पहली नहीं बल्कि दूसरी बार इस लिस्ट को टॉप किया है। ठीक है, तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट ये टॉप की गई है बाय स्कल्प्टर अनीश कपूर। इसके अलावा एक अवार्ड है जिसका नाम है वर्ल्ड नो टबेको डे अवार्ड 2020। ये दिया गया है टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स एनजीओ। ये एक एनजीओ है सीड्स एनजीओ, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो सीड्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये दिया जाता है बाय WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने अवार्ड भी देख लिया और किसे दिया गया है वो भी देख लिया। अब ये दिया इसलिए गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए हैं, जो भी पान मसाला गुटखा ई सिगरेट्स वगैरह होती है इनको बैन करने में, इनको बैन करने के लिए बिहार और झारखंड में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प की थी, तो इस वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है। अगला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ दी फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया टू बी अवार्डेड दी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो पहली है, फर्स्ट है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारी है किरण मजूमदार। She is the first woman entrepreneur from India. तो इंडिया की तरफ से ये पहली है। अगर पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो she is the second woman worldwide. इसके अलावा Olivia Lum, she was the first to be awarded this award. To be given this award. ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किरण मजूमदार शॉ के बारे में। तो ये जो है बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। हमने देखा अबाउट दिस अवार्ड एंड शी इज द फर्स्ट वन। ओके, तो एक और अगला क्वेश्चन है रेलवे जंक्शन से हमारा कि किस जंक्शन को मिला द कोवेटेड गोल्ड रेटिंग बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो ये दी गई है टू त्रिची। त्रिची रेलवे स्टेशन को, जो कि हमारी तमिलनाडु की एक रेलवे स्टेशन है, इन्हें दिया गया है गोल्ड रेटिंग बाय द CII। तो ये आपको याद रखना है कि CII ये देती है और त्रिची रेलवे स्टेशन। इसके पहले जो हमने न्यूज देखी थी वो थी अबाउट हुब्बाली। ठीक है, हुब्बाली कर्नाटका में है और ये हम देख रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। ऑलराइट, तो फिर अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर 2020। एक और फर्स्ट है हमारे लिए और ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो है मिस्टर जावेद अख्तर। तो मिस्टर जावेद अख्तर को जो है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है फॉर 2020 एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी गिवन दिस अवार्ड। ओके, तो एक और क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज बीन अवार्डेड विद द नासाज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, और ये है मिस्टर रंजीत कुमार। तो ये जो हम अवार्ड देख रहे हैं ये दिया गया है बाय नासा। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल ये दिया गया है बाय नासा टू रंजीत कुमार फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू नासा। तो नासा में इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है जिसकी वजह से इन्हें जो है अवार्ड मिला है। नासा की बात हो रही है तो नासा से रिलेटेड एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नासा ने किसके साथ पार्टनर किया है टू होस्ट अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन। एक्चुअली आपका क्वेश्चन आना चाहिए था इंटरनेशनल सेक्शन में पर आ गया है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो नासा ने पार्टनर किया है विद साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम कि साउथ अफ्रीका के साथ नासा ने पार्टनर किया है, किस लिए किया है, ताकि ये होस्ट कर सके एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन। डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन टू सपोर्ट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस टू मून एंड मार्स। तो मून और मार्स के जितने भी स्पेस फ्लाइट मिशन है उनके लिए ये ग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है इन नासा। इसके अलावा नासा ने USA, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के साथ भी इस तरीके की पार्टनरशिप कर रखी है। तो साउथ अफ्रीका जो है ये फोर्थ ऐसा कंट्री है। ऑलराइट, तो हमने देखा अबाउट नासा। अगला जो अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अवार्डेड द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हमने कल ही डिस्कस किया था और ये दिया गया है टू शोभा शेखर। शी इज एन इंडियन म्यूजिशियन एंड शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ कलाकृति म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है और जैसे कि हम देख रहे हैं ये दिया गया है By the और ये दिया गया है इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है अबाउट रतन लाल। तो रतन लाल को कौन सा अवार्ड दिया गया है, इन्हें मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड। तो वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड इन्हें दिया गया है और ये कौन है, ये है इमिनेंट इंडियन अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट और इन्हें हम जैसे कि देख रहे हैं वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। और इन्हें इसलिए दिया गया है ये अवार्ड क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में। तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है पूरी दुनिया की और इसी चीज को नवाजते हुए, इसी चीज को जो है रिस्पेक्ट करते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फॉर द अवार्ड सेक्शन। अब है हमारा इंटरनेशनल सेक्शन।
तो इंटरनेशनल में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग इंडिया 200 मिलियन यूरोस टू हेल्प इंडिया फॉर साइक्लोन अम्फान। तो अम्फान की वजह से जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है 200 मिलियन यूरोस की, वो दी जा रही है बाय फ्रांस। तो इतना ही आपको जानना है 200 मिलियन फॉर साइक्लोन अम्फान बाय फ्रांस। अगला है कि वेयर इज दिस सिटी ऑफ नोरिल्स्क सिचुएटेड। तो ये जो सिटी है ये हमारी सिचुएटेड है रशिया में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज हमारी आई थी कि रशिया में इस तरीके का डीजल लीक हो गया था, ऑयल लीक हो गया था, ठीक है। तो इतना भयंकर ये लीक हुआ था कि करीब 10 साल लग सकते हैं इसको पूरी तरीके से रिकवर करने में या फिर ठीक होने में। यहाँ पे आपके लिए दो नाम इंपॉर्टेंट है, नोरिल्स जो कि सिटी है रशिया की, इसके अलावा ये जो दो रिवर्स हैं अम्बरनाया और डाल्डिकैन, ये दोनों रिवर आपको याद रखनी है। कितना स्पिल हुआ था, करीब 15,000 टन। तो ये हमने देखा अबाउट रशिया एंड अबाउट द रिसेंट ऑयल स्पिल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल से कि इंडिया ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में अच्छा, तो पावर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए डेनमार्क के साथ जो है हमने एमओयू साइन किया है, ठीक है। डेनमार्क जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ की कैपिटल कोपेनहेगन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मेटे फ्रेडरिकसन। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है, ठीक है, जिसमें डेनमार्क ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है, तो वो है 168। ये भी रीसेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ लिखा जा रहा था ये रीसेंट नहीं है, ये काफ़ी रीसेंट है, बल्कि इसके ऊपर जो है मैंने एक काफ़ी अच्छा इलैबोरेटिव और क्विक एनालिसिस एक प्रिपेयर की गई है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क एंड इंडिया। फिर अगला सवाल है वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो कि दे रहा है 1950 करोड़ का लोन। तो ये किसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं टू वेस्ट बंगाल। लोन दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल को क्योंकि साइक्लोन अम्फान ने काफी सीवियरली हिट किया था वेस्ट बंगाल में, तो उसको एज ए रिलीफ दिया जा रहा है बाय वर्ल्ड बैंक टू द वेस्ट बंगाल। फिर है G20 से रिलेटेड, तो G20 ने कितना अमाउंट प्लेज किया है टू फाइट कोरोना वायरस। तो ये दे रहे हैं करीब 21 बिलियन। तो G20 दे रहे हैं 21 बिलियन। G20 में करीब 19 मेंबर्स हैं और एक प्लस EU है, यूरोपियन यूनियन, तो इतने मिला के 20 मेंबर्स हो जाते हैं। इस साल की इसकी चेयर है अंडर सऊदी अरेबिया, तो हमने देखा पर G20। फिर है कि विच कंट्री हैज लॉन्च शोहो जोधा। तो शोहो जोधा जो है ये लॉन्च किया जा रहा है बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश, शोहो जोधा से आप थोड़ा सा लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं शोहो जोधा ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके का ऑनलाइन नेटवर्क है टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन द रिकवर्ड पेशेंट्स। तो इस तरीके का जो है एक तरीके का एक्सचेंज नेटवर्क ये इन्होंने डेवलप किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है शोहो जोधा, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसर बीडी मतलब बांग्लादेश, ये एक ऐप डेवलप किया था जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू आर आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो कोरोना ट्रेसर बीडी एंड शोहो जोधा बाय बांग्लादेश। फिर है ओपेक के बारे में, तो ओपेक ने कितना परसेंट जो है ऑयल प्रोडक्शन का डिडक्शन रिसेंटली अनाउंस किया है। तो इन्होंने करीब 10% का डिडक्शन अनाउंस किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में काफी ज्यादा टिफ चल रही थी, दोनों अपने प्रोडक्शन बिल्कुल कम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक तरीके की पॉजिटिव न्यूज है कि दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन कम करने की डिसाइड की है बाय ओपेक, ठीक है। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑफ चाइना। तो IPAC इसके जो मेंबर्स हैं ये कितने हैं, तो वो करीब 8 है। IPAC का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो वो है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो अलायंस है ये बनाया गया है और इसमें करीब 8 कंट्रीज होने वाली है, ठीक है। तो अलग से IPAC के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किस बारे में है, इट इज टू काउंटर चाइनाज एफर्ट्स, और इसमें करीब 8 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन, ये सभी इसकी कंट्रीज हैं। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी इन द टॉप 200 QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हमने काफी ज्यादा रीसेंट रैंकिंग्स देख ली, पर ये जो रैंकिंग हम देख रहे हैं ये है अबाउट QS। तो QS में टॉप 200 में कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं आती है, तो वो है IIT मद्रास। हमने NIRF में देखा था तब IIT मद्रास ने टॉप किया था। हमने जब टाइम्स देखा था तो उसमें IISc ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। हम यहाँ देख रहे हैं QS रैंकिंग, तो इंडिया की तरफ से टॉप 200 में आती है IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली, ये तीन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि QS के अंदर आती है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और आपको पता होना चाहिए कि टॉप 100 में कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, टॉप 200 की यहाँ पे बात हो रही है, और इस साल इन तीनों की भी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, ओके। तो
तो रैंकिंग के साथ हमारे पास एक और इंडेक्स है, एक और रैंकिंग है, वो है अबाउट नेचर इंडेक्स. तो व्हाट इज विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूट अंडर नेचर इंडेक्स. नेचर इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया है बाय CSIR. तो ये अलग है, वो अलग है, जितने हमने देखा टाइम्स, QS, NIRF सब अलग है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचर इंडेक्स, और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी एक्चुअल पोजीशन है 160th. इंडिया के कॉन्टेक्स में इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वर्ल्ड वाइड 160th इसकी पोजीशन है. वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज. तो चाइनीज ने टाइम्स हायर एजुकेशन में भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, वो थी शेरिंग यूनिवर्सिटी. ऑल राइट, तो ये हमने सारे इंडेक्सेस रिवाइज कर लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चाइनीज, सेकेंड है हार्वर्ड, फिर है मैक्स प्लैंक. इंडिया के कॉन्टेक्स में CSIR, IISc, TIFR. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अबाउट विच US फर्म इज द फर्स्ट टू क्रॉस 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो वो है एप्पल, ठीक है. तो एप्पल जो है यूनाइटेड स्टेट्स की पहली ऐसी कंपनी है जो कि 1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप जो है पूरी तरीके से रीच कर चुकी है. 2018 में ये 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर चुके थे, और माना जा रहा है कि सून ये 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन भी क्रॉस कर जाएंगे. तो हम देख रहे थे अभी तक इंटरनेशनल न्यूज. इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल न्यूज यही खत्म होता है. अब आता है ओबिचुरीज का सेक्शन. हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर रिवाइज तो करना ही है. बट आई थिंक कि आपके लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो. आई रियली होप आपको जो ये सेशन पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप जो है इस तरीके की लंबे वीडियोज देखना चाहेंगे, पार्ट्स में देखना चाहेंगे, सेक्शंस में देखना चाहेंगे, या फिर किस तरीके से आप ज़्यादा पसंद करेंगे. जैसा भी आपका रिव्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, तो ओबिचुरीज में अगर हम देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है अबाउट प्रीतम सिंह. प्रीतम सिंह ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो ही हैज बीन अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स. तो इन्हें दिया गया है पद्मश्री, ठीक है. हम बात कर रहे हैं प्रीतम सिंह के बारे में, तो ये काफी फेमस एक मैनेजमेंट गुरु रह चुके हैं, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, एंड एज वी सॉ ही रिसेंटली पास्ड अवे. इसके बाद है वेद मारवा के बारे में. तो वेद मारवा हैज नॉट सर्वड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. इनमें से कौन से स्टेट के ये जो है गवर्नर नहीं रह चुके हैं, तो वो है असम, यानी कि मणिपुर, मिजोरम और झारखंड. इन तीनों के ये गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड. श्री वेद मारवा ये कौन थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे. इसके अलावा बॉलीवुड प्रोड्यूसर मिस्टर अनिल सूरी एंड द सीनियर बीजेपी लीडर चंद्रकांता गोयल, दे ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे. अगला इंपॉर्टेंट ओबिचरी है अबाउट हमजा कोया. ही वॉज अ फेमस हु, तो ही वॉज अ फेमस फुटबॉलर. हमजा कोया, ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन फुटबॉलर, एंड एज वी सॉ ही रिसेंटली पास्ड अवे. इसके अलावा ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर मिस्टर रूपर्ट हाइन, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे, एंड ही इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ ग्रैमी विनिंग सिंगल विच इज कॉल्ड द बेटर बी गुड टू मी. तो ये जो सॉन्ग है इसे ग्रैमी भी मिल चुका है, रूपर्ट हाइन. नेक्स्ट है अबाउट फॉर्मर पाकिस्तान एंड द फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिस्टर रियाज शेख, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे. पाकिस्तान में जफर सरफराज भी जो है रिसेंटली, ये भी पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं, एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे. अगली इंपॉर्टेंट ओबिचुरी है कर्ट थॉमस के बारे में. तो आपको बताना है कि ही वॉज अ फेमस हु, तो ही वॉज अ फेमस जिमनास्ट, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट US मेल टू विन अ गोल्ड मेडल, और इन्होंने जीता था इन 1978. तो हम क्या देख रहे हैं, कर्ट थॉमस के बारे में. फिर है इंपॉर्टेंट अबाउट अर्जुन चरण. तो अर्जुन चरण ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, फेमस एज इन ही वॉज द फॉर्मर यूनियन वाटर मिनिस्टर, और ही वॉज ऑल्सो एन 8-time MP फ्रॉम भद्रक ओडिशा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो है फेस रह चुके हैं पॉलिटिक्स में, और जैसे कि हम देख रहे हैं ही रिसेंटली पास्ड अवे. इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अबाउट MLA मिस्टर जे अनबाजगन. ही इज द फर्स्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री टू हैव डाइड. तो फर्स्ट लेजिस्लेटर है हमारे इंडिया के हु हैज डाइड बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, यानी कि COVID-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है. इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो ये 3-time MLA भी रह चुके हैं, 3-time MLA फ्रॉम द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली. ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ए वैद्यनाथन ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. तो ही वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है. तो नीति आयोग के पहले जो है प्लानिंग कमीशन थी इंडिया में, और ये उसके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, और इन्होंने चेयर किया है इंडिया टास्क फोर्स ऑन द रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. मतलब कह सकते हैं इस डोमेन में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है. तो हम देख रहे हैं अबाउट ए वैद्यनाथन, ही रिसेंटली पास्ड अवे. अब आता है हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन, एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड MOUs.
वी विल ट्राई टू मेक इट रियली फास्ट, जस्ट बी पेशेंट इनफ, बिल्कुल थोड़ी देर में हमारा सेशन खत्म होने वाला है. पहला आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो दे हैव रिसेंटली अक्वायर्ड 1.85% इन विच कंपनी. तो इन्होंने अक्वायर किया है जियो में, ठीक है, जियो में 1.85%. इसके अलावा जियो में या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको कहना चाहिए फेसबुक, जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स और KKR. और अब जो छठा है वो है अबू धाबी की सोवरेन फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी. इन्होंने 1.85% लिए हैं इन द जियो प्लेटफॉर्म्स. फिर है अबाउट MG मोटर्स. तो इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? इन्होंने साइन किया है टाटा पावर के साथ. किस लिए किया है? ताकि ये सेटअप कर सके फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ये इंडिया में, और इस वजह से इन दोनों ने MOU साइन किया है. अगला है कि डैश अलॉन्ग विथ रोटरी इंडिया हैव साइंड एन MOU फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट फॉर क्लास 1 to 12. तो क्लास 1 से 12 तक के जो है ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए रोटरी क्लब ने कोलैबोरेट किया है विद NCERT. NCERT के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, जैसे कि हमने देखा रोटरी क्लब के साथ किया है, ये सब टेलीकास्ट प्रोवाइड करने के लिए. NCERT के साथ देखा हमने कि एकेडमिक कैलेंडर भी इन्होंने लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री के साथ. तो ये दोनों आपको फैक्ट्स याद रखने हैं. फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट. तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है ये ज्वाइन किया गया है बाय टेक महिंद्रा, ठीक है. ये एक तरीके का इनिशिएटिव है बाय द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें सपोर्ट करते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स जिसमें हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो सस्टेनेबल हो और हमारे फ्यूचर को जो है, हमारे एनवायरमेंट को जो है हेल्प मिले, और टेम्परेचर राइज को जो है कंट्रोल करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, और इससे अब जुड़ गए हैं टेक महिंद्रा. तो ये आपको याद रखना है. इसके अलावा मारुति सुजुकी साथ, मारुति सुजुकी ने पार्टनर किया है विद महिंद्रा फाइनेंस, और क्योंकि इन्होंने एक बाय नाउ पे लेटर एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें ये पहले आप खरीद लीजिए अपना व्हीकल उसके बाद आप पे कीजिए, ठीक है. तो इस तरीके की पेमेंट स्कीम लाने के लिए मारुति सुजुकी ने पार्टनर किया है महिंद्रा फाइनेंस के साथ. अगला इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने पार्टनर किया है ICICI लोम्बार्ड के साथ ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंश्योरेंस कवर, ठीक है. तो इंश्योरेंस कवर के लिए ये कर रहे हैं कोलैबोरेट विद फोन पे. हम क्या देख रहे हैं, ICICI लोम्बार्ड अलॉन्ग विद फोन पे इन्होंने ये किया है ताकि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर सके. अगला ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर USA विच इज द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन. तो USA इकलौती अभी तक ऐसी कंट्री है, अब आपको बताना है कि सेकेंड ऐसी कौन सी कंट्री है. तो वो है इंडिया. क्या देख रहे हैं हम, कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन इन इंडिया. तो कॉन्टैक्टलेस, आप बिना ATM को हाथ लगाए वहां से पैसे निकाल सकते हैं, और इस तरीके की फैसिलिटी लाने के लिए एमपेस पेमेंट सिस्टम ने पार्टनर किया है विद मास्टर कार्ड. और ये करते ही इंडिया जो है दूसरी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिनके पास कॉन्टैक्टलेस ATM फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर USA. ओके, तो एमपेस एंड मास्टर कार्ड. फिर है अबाउट IFFCO. तो IFFCO ने साइन किया है MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने साइन किया है MOU विद ICAR. देखिए ICAR के साथ IFFCO यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने लॉन्च किया है एक MOU ताकि एक तरीके का कोलैबोरेटिव रिसर्च, टेस्टिंग और वैलिडेशन वगैरह जो है साथ में ये कर सके. MOUs हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको सभी MOUs पता होने चाहिए. और अब हम फाइनली हमारे लास्ट सेक्शन में आते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन. ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे डेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो इस वीक के जो इंपॉर्टेंट डेज है उसमें पहला है वर्ल्ड पेस्ट डे. तो वर्ल्ड पेस्ट डे जो है ये हम मनाते हैं June 6 को. वर्ल्ड पेस्ट डे को आप कीट जागरूकता दिवस या फिर वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे भी कह सकते हैं, जिसे हम June 6 को मनाते हैं. इसे जो है एक्चुअली पहली बार स्टार्ट किया गया था 2017 में इन द बीजिंग होटल, यानी कि चाइना में इसे स्टार्ट किया गया था. तो वर्ल्ड पेस्ट डे June 6. इसके बाद है June 6 को ही हम मनाते हैं रशियन लैंग्वेज डे June 6. और जैसे कि हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में एक्चुअली 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि चाइनीज, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश और रशियन. तो इसमें से जो है रशियन लैंग्वेज का डे हम मनाते हैं June 6 को, और ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय UNESCO. वो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के अगर आप डे देखना चाहें तो वो आपको दिया गया है. इसके बाद है व्हेन इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो ये हम मनाते हैं 7 June को. 6 June को हमने वो दोनों दिन देखे, 7 June को हम देख रहे हैं वर्ल्ड फूड डे. इस साल की इसकी थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी, नहीं, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस वर्ल्ड फूड डे की जो है थीम है. इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड. तो वर्ल्ड ओशन डे हम मनाते हैं 8 June को.
सिक्स, सेवेंथ और एट्थ तीनों हमारे हो गए। एट्थ को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे। इस साल की जो इसकी थीम है वो है इनोवेशंस फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। सारे थीम्स और सारे डेज ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड ओशन डे ऑन जून 8th, 8th जून को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो ट्यूमर डे को जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया है जून 8 को सिंस 2000, यानी कि सिंस ईयर 2000, और तब से लेकर अब तक जो है हम 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशन डे ये दोनों हम 8 जून को ही मनाते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन इज द वर्ल्ड एक्रेडिशन डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड एक्रेडिशन डे आता है हमारा 9 जून को, ठीक है। QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। इस साल की इसकी थीम है एक्रेडिशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी को इंप्रूव करते हुए इस दिन को मनाया गया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है हम मनाते हैं 12 जून को। 12 जून यानी कि 12th ऑफ जून हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसे जो है मनाया जाता है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस साल की इसकी थीम है COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो हमने देखा अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट डेज, अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि इस हफ्ते की हमारी बनती है। आई रियली होप आपको जो है ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको पसंद आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके के वीडियोस बने, कुछ अलग तरीके के हम रिविजन करें, तो उस बारे में भी हमें बताइए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको जो है उस तरीके के वीडियोस प्रोवाइड करें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी के साथ हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई रियली होप यू एंजॉयड टू दिस सेशन एंड इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।